So welcome back to the channel guys. So this is my life, I vlog, this is Sharad and this is my Chevy Beat. टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके लिए है. सो आज की वीडियो है इसके लिए, फॉर माई व्हील्स. सो एक्चुअली आई हैव पेंटेड माई व्हील्स, रीपेंटेड एक्चुअली. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने इसे फर्स्ट टाइम पेंट कराया था, वाई बटन पर आप अभी देख सकते हो, जब टायर चेंज कराए थे और व्हील पेंट करवाए थे. व्हील चेंज भी कराए थे, व्हील पेंट भी कराए थे. सो एक बार आप देख लो कि फिनिशिंग कैसे आई है पेंट की. सो ये जो आप पेंट देख रहे हो मैंने खुद किया है. सो ये कैसे किया है आई विल शो यू कि मैंने कैसे पेंट किया है. सो उसके लिए आपको थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाना पड़ेगा और फिर आप मुझसे वापस मिलना, ठीक है. चलो सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने टायर चेंज कराए थे, तो वहाँ पर मैंने ये रिम पेंट भी कराए थे. सो जो रिम का जो पेंट है वो पूरा उतर चुका है क्योंकि उसने इसके अंदर प्राइमर नहीं मारा था, ठीक है. सो अभी मैंने तब उसको बोला था, तो उसने बोला था अगर एक स्प्रे कैन आप भी लेके रख लोगे तो जब वो उतरेगा तो आप ऊपर से स्प्रे कर लेना, ठीक है. सो अभी मैंने भी एक स्प्रे मंगाया है, आपको दिखाता हूँ. तो आज का जो मेन जो काम है वो ये है कि इनको रीपेंट करना, क्योंकि पूरा पेंट उतर गया तो बहुत गंदे लगते हैं. क्योंकि पूरा पेंट नहीं उतारूँगा, जितना है वो लगा रहेगा, उसके ऊपर ही एक कोट मार देंगे, देखते हैं कैसा लगता है. ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो बाहर जाके फिर से पेंट कराना पड़ेगा. वैसे तो मूड तो एलॉय व्हील्स का है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, क्योंकि शेवरले का वैसी प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं कि कब तक गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे. सो यू कैन सी पूरा पेंट यहाँ से उतर गया है, लेकिन ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ ज़्यादा लेयर नहीं है और मेरे पास एक्चुअली वो है भी नहीं पेंट मूव करने वाला. तो मैं इसके ऊपर ही एक और लेयर चढ़ा दूँगा, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं पहले पानी से. सो ये एक व्हील का हाल नहीं है, सबका ऐसी हाल है, दिखाता हूँ आपको. ये जो आगे वाला है इसमें बेसिकली कलर यहाँ से रिमूव हुआ है और थोड़ा स्क्रैचेस हैं, तो बाकी इसको साफ़ करके पता चलेगा कि कितना पेंट इससे रिमूव हो चुका है. और जैसे उस वाले का हाल है तो मोस्टली इसका भी वैसे ही हाल है, पूरा पेंट उतर रहा है यहाँ से. सो अच्छा नहीं लगता. सो इसको करेंगे रीपेंट. सबसे पहले करते हैं व्हील्स को साफ़. सो वॉश कर लेते हैं पानी से नॉर्मल. सो ये वाला स्प्रे मैंने बाई किया अमेजोन से, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा इफ़ यू वॉन्ट टू बाई. सो मुझे ठीक लग रहा है, आई थिंक अराउंड मतलब इसके MRP तो 193 रुपीज़ है, एग्जैक्ट प्राइस नीचे लिखा हुआ है मैंने कितने का मैंने बाय किया है. सो क्वालिटी मतलब रिव्यू वाइज तो बहुत अच्छे थे, तो तभी मैंने ये वाला बाय किया. सो आज देखते हैं कि एक्चुअली में ये कितना सही रहता है. सो पेंट करने से पहले एक बार इनको धोना है. सो अभी इसको थोड़े से वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर से छोड़ देता हूँ सूखने के लिए, क्योंकि व्हील है वो सूखेगा तभी पेंट चढ़ेगा. सो ये जो व्हील है यही सबसे ज़्यादा, इसका ये पेंट सबसे ज़्यादा उतरा हुआ है. सो मैंने उसको वॉश कर दिया, तो यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उतरा हुआ है. अभी सही से वॉश हुआ नहीं, एक बार मतलब वॉश कर दिया, एक बार इसमें कपड़ा मार दूंगा ड्राई, सो दैट ये एकदम ड्राई रहे, क्योंकि जैसे पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो पेंट फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा इसमें चढ़ने में. सो देखते हैं कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करते हैं जब तक थोड़ा ड्राई हो जाएगा. वन आवर लेटर. सो मैंने मतलब इसको वॉश किया था, उसके बाद अब इसको पूरा कपड़े से सुखा दिया है. सो एक बार पेंट मेन व्हील में पेंट करने से पहले जिसमें थोड़ा थोड़ा काम है उसमें थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी कैसे होता है. सो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ ये न्यूज़पेपर. सो न्यूज़पेपर से क्या करूँगा कि जैसे ये होल्स है सारे, इसमें न्यूज़पेपर फंसा दूँगा, सो दैट जो पेंट है इसके अंदर ना जाए. फिर मारते हुए भी थोड़ा ट्राई करेंगे कि जहाँ पे हमें पेंट नहीं चाहिए वहाँ पेंट नहीं हो, तो उसके लिए पेपर से अड़ा के स्प्रे करके देखते हैं, ठीक है. तो मैंने पेंट लिया है, ये भी मैट है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी मैट ब्लैक ही हुआ था, तो ये मैट ही लिया मैंने. और जो शॉप से मैंने पहले व्हील पेंट कराया था, उन्होंने भी बोला था कि मैट ही लेना आप, क्योंकि मैट शाइन वाली चीज़ ज़्यादा गंदी होती है, मैट वाला इस पर सूट करेगा. फिर
सो यहाँ पे यू कैन सी थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, इसलिए वो पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना प्रेस करना चाहिए, फिर मैंने थोड़ा सा बाद में स्लो करा तो ऐसा कुछ है। तो आई थिंक जब पूरा करूँगा तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो पोर्स ही हट जाएंगी। सो ये फ़ायदा हुआ यहाँ पे, जो अब आपको दिख रहा होगा न्यूज़पेपर डालने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे अंदर डिस्क होती है तो उसमें भी कहीं पेंट की लेयर अगर जम गई तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है बाद में। सो इसलिए इस सारी जगह पे मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर फंसाया था। सो एक व्हील तो डन हो गया, इस वाले व्हील के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लग गया, क्योंकि जो इसमें न्यूज़पेपर है वो यहाँ नट्स पर भी लगाना पड़ा क्योंकि मुझे पेंट यहाँ पर चाहिए। सो बाकी सब तो सेम है, डिस्क को कलर ना लगे, मैं डिस्क नहीं या ड्रम में रेड कलर की उसमें पेंट ना लगे, तो यहाँ तक पूरा न्यूज़पेपर कर दिया, यहाँ पे भी थोड़ा कर दिया सो दैट यहाँ ना लगे। सो बाकी हो चुका है, सो बस पेंट ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वाले जो मेन व्हील था उसका पेंट भी डन हो चुका है। सो लेट्स सी कितनी देर में ड्राई हो जाएगा, वैसे क्विक ड्राई वाला पेंट है सो आई थिंक 5 या 10 मिनट में मेन ड्राई हो जाएगा और वी कैन सी। सो इससे पहले अगर देखते हैं उससे पहले किया था वो कितना ड्राई हो चुका है। सो हेयर यू कैन सी, ये इससे पहले पेंट किया और पूरा ड्राई हो गया है। सो ये मैट का ये रहता है लाइक कि वो शाइनी वाली चीज़ ना वो फेक लगती है। सो मैट अगर सही से हो जाए तो वो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई कैन सी थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन वो तो चलेगा इतना तो, क्योंकि ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेंट फिर उतरेगा। सो फिर से स्प्रे मार सकते हैं इसमें। सो जब तक मैं अलॉय नहीं लेता तब तक के लिए तो ये सही है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फिर से पेंट मारने में, तो मेरे लिए क्वालिटी एकदम सही है। सो लेट्स सी कितने टाइम में चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना लाइक कोई जैसे जब हवा भरवाते हैं हम तो उनके नोजल टच होता है या वैसे भी कुछ लगता है लेट्स से पंचर, उसके टाइम पर तो थोड़ा बहुत पेंट तो उतर ही जाता है। सो 4 में से 2 व्हील डन हो चुके हैं। बेस्ट थिंग अबाउट स्प्रे पेंट कि सिर्फ यही गंदा हुआ है। सो अगर मैं इसे ब्रश से पेंट करता तब तक पूरा हाथ गंदे हो गए होते, कपड़े गंदे हो गए होते, बहुत पेंट फैल गया होता। तो बेस्ट थिंग इतना ही बस। सो फाइनल लुक एक बार यहाँ देख लो, फिर आपने पहले तो देख ही लिया है कि पेंट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं ये वही बोलेगा ठीक है, चलो बाय जाओ फ्यूचर। सो आपने देख लिया कि पेंट कैसे किया मैंने, हाँ मैंने आपको 4 व्हील्स का नहीं दिखाया था, 2 का दिखा दिया था क्योंकि वो रेपिटेटिव ही था, तो फिर से क्या फ़ायदा बेकार की वीडियो खींचना। सो कैसा लगा, मेरे हिसाब से तो आउटपुट सही आया है, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कि बहुत गंदा हो जाएगा, मैं लाइक यूजली आप जब ऐसे काम खुद करते हो तो थोड़ा सा ख़राब ही हो जाता है इवन, लेकिन फिर भी आई थिंक मैंने बिल्कुल सही प्रोसीजर फॉलो किया। सो जो पेपर वेपर लगाने की वजह से कुछ गंदा नहीं हुआ। सो अगर आप लोगों को भी करना है तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करना, क्योंकि यू कैन सी द रिज़ल्ट। थोड़ा कॉर्नर्स में नहीं किया था इसलिए मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा अगर वहाँ में करूँगा तो एक तो वो चीज़ टायर से टच भी होती है तो वो हंसे भी हट जाएगा, तो वहाँ नहीं किया मैंने। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ जो जो कैन है वो बहुत चीप ही पड़ गई थी, क्योंकि मेरे 145 रुपीज़ की पड़ी थी, क्योंकि अगर अगर अभी आप देखोगे अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसमें एक ऑफ़र चल रहा है, तो उसमें वो 193 की डिस्काउंट के बाद 145 या 146 के आसपास की थी, सो यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर। तो अभी आई थिंक द रिज़ल्ट इज़ रियली गुड,
सो आप लोग भी कर सकते हो, इट्स एक DIY थिंग हो गई कि अपनी गाड़ी पे अगर आपको व्हील पे पेंट वेंट करना तो खुद से कर सकते हो। सो ये वैसे टेम्प्ररी है क्योंकि मैं अलॉयज लगवाऊंगा, एक्चुअली मैं पूरी कार मॉडिफाई करवाऊंगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि मुझे लगे कि हाँ शेवरले बीट इंडिया में थोड़ा और स्टे करेगी, क्योंकि सर्विस एक्चुअली हमें चाहिए। कल को गाड़ी पे इतना काम करा दो और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए और सर्विस में प्रॉब्लम आ जाए, सो ये इशू हो सकता है। तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? अगर आ गई होगी तो आई बटन पे आ रही होगी, तो उसमें मैंने आपको शेयर किया है जो सर्विस कॉस्ट थी जो मेरी रिसेंट सर्विस की। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो आपको इंस्टा में अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो इंस्टाग्राम ये है माई लाइफ आई ब्लॉग। सो आई एम डन फॉर टुडे, और एक जो आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने फिर से पूछ लेता हूँ। सो एक और चीज़ पूछनी थी आप लोगों से, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे कि रेड कलर की स्कूटी खड़ी है, प्लेजर हीरो होंडा प्लेजर। सो ये मेरी छोटी सिस्टर की है, सो उसके लिए ली थी हमने, लेकिन वो चलाती नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग इसको कुछ कर सकते हैं, मॉडिफाई करें या पेंट करें। सो आप शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी ख़राब हो रही है, कुछ करेंगे तो चलेगी भी और आप लोगों के लिए कंटेंट भी बन जाएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है एटलीस्ट नहीं जाना, यहाँ तक देख लिया तो मतलब बनता नहीं है आपका जाना बिना सब्सक्राइब करे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, सो मिस नहीं होगा ना। सो आज तो मुझे तो मज़ा आया, मतलब ये व्हील पेंट करके, और बहुत इजीली हो गया और कोई ब्लंडर भी नहीं हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो बहुत सफाई से काम हो गया और बहुत सही। सो यू कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर, ठीक है? चलो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। इट्स अबाउट शेवरले बीट की सर्विस जो बहुत पैसे लग गए, कितने लगे वो उस वीडियो में बताऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय।